हाय गाइस, आज देखने वाले हैं गिट्स राइस इडली का रिव्यू, रेसिपी, सब कुछ। पहले हम थोड़ी सी ना पैक पे नज़र मार लेते हैं। 200 ग्राम का जो पैक है उससे 18 राइस इडली बन जाती है और इसकी एमआरपी है 65 रुपीज़। शेल्फ लाइफ है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हो गई ना पैक की सारी जानकारी, अब पैक को खोल लेते हैं। तो ये निकला है ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में इसका मिक्स। इसको निकाल लेते हैं एक बड़े बाउल में। और इसका टेक्सचर जो छू के मैंने फील किया ना, तो मुझे कुछ कुछ रवा, सूजी होती है ना दरदरा, वैसा लगा। लेकिन ये सूजी की इडली नहीं है, ये है राइस इडली। पर छूने में आपको ना बरखरा बरखरा सा, दरदरा सा, वैसा फील होगा बस। अब है जी सबसे मेन स्टेप, पानी का रेशियो। तो पूरे कंटेंट के लिए हमको लेना है 320 ml पानी। पूरा पानी डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो पानी आप जो है वो मेजरिंग कप से ही मेजर करके डालोगे। अगर पानी का रेशो आपने गड़बड़ किया तो इडली गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, जब आप इसको मिक्स करोगे ना, आप देखोगे एक बार पहले झाग बनेगा, ये ऊपर आ जाएगा। आपको लगेगा कि अरे यार पानी ज़्यादा हो गया, लगता है ऐसा 320 ml पानी ज़्यादा हो गया, अभी बहुत पतला लग रहा है ये। बट आप इसको मिक्स करते रहो करते रहो करते रहो, थोड़ी देर बाद झाग बैठ जाएगा और परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा रेडी हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप जो स्टीमर जिसमें भी आप इडली बनाने वाले हो ना, उसमें पानी पहले ही बॉईल करने रख देना, उसके बाद आप बैटर बनाना। और जो इडली के माउल्ड है उसमें भी पहले ही ग्रीस करके रख देना। हमको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। एक बार बैटर बन गया, तुरंत हमने सांचों में डाला और फिर इसको इडली को उबालने के लिए रख देंगे। उबालना नहीं, स्टीम के लिए, सॉरी। तो ठीक है, इसका लॉजिक ये रहता है कि इडली को फुलाने के लिए में जो भी सिट्रिक एसिड वगैरह डाला जाता है ना, तो अगर हम ज़्यादा टाइम इसमें निकाल देंगे, बैटर को वैसे ही रखेंगे, तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। जब हम सूजी की इडली बनाते हैं, इनो डालते हैं, झटपट करते हैं ना, वही करना है यहाँ पे भी। पानी पहले ही बॉईल कर लेंगे, सांचों को पहले ही ग्रीस कर लेंगे, बैटर बाद में बनाएंगे। जैसे ही बैटर बनाया, डाला और स्टीमर में रख दिया। अब आपको इसको 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है, ठीक है। 15 मिनट हो गए, अभी नहीं निकालना है जी, अभी नहीं निकालना, अभी इसको रेस्ट करने दो 5-10 मिनट के लिए, इतना कि इडली आप हाथ से टच कर पाओ। और उसके बाद देखो कितने आराम से फट-फट इडली अपने आप निकलेगी, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपने तुरंत गर्म में निकालने के लिए ट्राई किया तो नहीं निकलने वाली इडली। तो ये तो बन गई इडली, अब इसके टेस्ट के बारे में बात करते हैं। टेस्ट में बिल्कुल जो राइस इडली का टेस्ट होता है ना, एग्जैक्टली वही टेस्ट है। सूजी इडली ज़्यादा सॉफ्ट, ज़्यादा स्पंजी बनती है, ये वाली थोड़ा अलग टेस्ट देती है। बट असली इडली तो यही होती है जी। सूजी तो हमने बाद में शुरू किया है, लेकिन ओरिजिनल तो यही मेथड था ना। अच्छा एक चीज़, पैक बोलता है 18 बनेंगी, बट मेरी तो सिर्फ 8 बनी थी। हाँ, लेकिन मेरी इडली का साइज़ थोड़ा बड़ा है, उनका शायद छोटा होगा, मिनी इडली होंगी। अगर हम इसके डबल भी कर देते हैं तो 16, हाँ वही 18-16 बन ही जाएंगे। तो आप भी बना के देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये इडली का टेस्ट कैसा लगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड द वीडियो एंड द रेसिपी यूजफुल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।